हेलो फ्रेंड्स, मैं हेल्थ प्रोफेशनल पूनम पडोरे आज आपके सामने बहुत ही नया टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें आप गाय का महत्व जानेंगे। देखो, ये गिर गाय है जिसको हम देसी गाय मानते हैं, जो देसी गाय की एक प्रजाति है। गाय हमारे संस्कृति में बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसको हम बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि हर एक घटक इसके बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो सबसे पहले हम गिर गाय क्या होती है ये देखते हैं। देखो, ये गिर गाय है। गिर गाय कैसे पहचानते हैं? गिर गाय का जो माथा रहता है वो बड़ा रहता है। उसका माथा बड़ा होने के कारण उसके आईब्रोज जो है, आंख जो है, ऊपर आती है, यानी दूर से अगर देखा तो वो सोई हुई नजर आती है। उसके जो सिंह रहते हैं वो कान के बहुत ही पास रहते हैं, नजदीक रहते हैं। उसके कान भी बहुत लंबे होते हैं। देखो, इसकी साइज बहुत ही ज्यादा लंबी है और नीचे से वो कर्व रहते हैं, यानी आपने अगर यहाँ पे कॉइन भी रखा तो वो इजीली बैठ जाएगा। उसकी जो झालर रहती है वो बहुत ही लंबी रहती है और सीधा मुंह से चालू होती है। उसका जो कंधा रहता है और पाँव रहते हैं वो एक लाइन में ही आते हैं। उसका कलर तीन डिफरेंट टाइप में आते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रजाति मानी जाती है जिसमें गर्द लाल कलर दिखता है। उसकी जो पूंछ रहती है बहुत ही लंबी रहती है। देखो, उसका अंतर जमीन से कुछ ज्यादा नहीं रहता, इतनी लंबी रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ये है, कंधे से जो पोर्शन आता है, ये जो पोर्शन जिसको हम सूर्य केतु नाड़ी बोलते हैं, ये नाड़ी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि ये नाड़ी क्या करती है, वातावरण में जो भी कुछ औषधियुक्त घटक रहते हैं उसको वो अपने अंदर लेके उसका कन्वर्शन औषधियुक्त पदार्थों में करती है, जैसे कि दूध, गोमूत्र, गोबर। अब हम देखते हैं कि दूध का महत्व क्या है इस गाय का। गिर गाय के दूध में कैल्शियम रहता है और भी ज्यादा घटक रहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, सल्फर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, सल्फर, ये सब घटक गाय के दूध में हमें मिलते हैं। गाय का दूध बच्चों के लिए तथा बड़ों के लिए भी बहुत उपयुक्त माना जाता है क्योंकि ये इसमें इम्यूनिटी बूस्टअप करने की, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने की पावर रहती है। अब हम गोमूत्र के बारे में देखते हैं। गाय का गोमूत्र जो रहता है वो बहुत ही उपयुक्त रहता है। अगर हमने गिर गाय का गोमूत्र आधा कप भी सवेरे लिया तो हमें किसी भी तरह का रोग और डिसीज नहीं होगा, ये इसकी महत्वता है। गिर गाय का गोमूत्र हमने 2019 में ये देखा था कि गिर गाय के गोमूत्र में हमें सोना मिल रहा है, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। जूनागढ़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये प्रूफ कर दिखाया है कि गिर गाय के गोमूत्र में कुछ अंश सोना पाया गया है, सुवर्णकण मिले हैं। सुवर्णकण होने के कारण ही, और गिर गाय के दूध में भी सुवर्णकण रहते हैं, इसी वजह से गिर गाय का दूध जो रहता है और दूध युक्त पदार्थ जो रहते हैं वो पीले कलर के नजर आते हैं। गोमूत्र की और महत्वता ये है, अगर हमने आधा कप गोमूत्र सवेरे लिया तो हमें नियर अबाउट 48 टाइप्स के वेरियस डिसीज क्योर करने की पावर जो है गिर गाय के गोमूत्र में है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड डिसीज, देन किडनी रिलेटेड डिसीज, टीबी, अस्थमा, ऐसे डिफरेंट टाइप के जो कि सीरियस कंडीशन ला सकते हैं, ऐसे डिसीज क्योर करने की कैपेसिटी जो है ये गिर गाय के गोमूत्र में है। अगर किसी को बालों की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, अगर हमने गिर गाय का गोमूत्र लिया और वो पानी में मिलाकर हमारे बालों की अगर मसाज की तो ये सब प्रॉब्लम से वो फ्री हो जाएंगे। अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, हमने गिर गाय का गोमूत्र लिया, मालिश की, तो स्किन की प्रॉब्लम ही कम्प्लीटली चली जाएगी। अगर किसी को जड़ों की, पैर की कुछ प्रॉब्लम है, पैर को उसने गोमूत्र से मालिश किया तो ये भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद गिर गाय के गोमूत्र में और एक जो है इंसेक्टिसाइड पावर है, इसकी वजह से किसान भाई लोग इसको खेती में यूज कर रहे हैं क्योंकि वो इंसेक्टिसाइड है। ये सब गिर गाय के गोमूत्र की पावर है।
उसके बाद हम गोबर का महत्व देखते हैं। गोबर में सबसे ज्यादा जो है कॉपर का प्रमाण माना जाता है, सबसे ज्यादा कॉपर मिलता है। अगर हमने गोमूत्र के साथ गोमूत्र आधा कप उसके साथ थोड़ा सा गोबर मिलाकर अच्छी तरह से छान कर, कपड़े से अच्छी तरह से छान कर अगर हमने दिन में तीन बार भी वो लिया, जिसे किसी को अगर ये बताया है कि इसको सीजरियन करना पड़ेगा, उस लेडी को अगर ये दिया गिर गाय का गोमूत्र, उसमें गोबर मिलाकर अच्छी तरह से छान कर दिन में तीन बार उस लेडी को अगर दिया, तो क्या होगा, उसको सीजरियन का काम नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह ये देसी गाय गिर गाय बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है। ओके, थैंक यू।